अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए इश्तेहार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त असामियों का ऐलान हुआ है। तो चलते हैं इश्तेहार की जानिब। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ओपन टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जो अपॉइंटमेंट होंगी प्योरली मेरिट पर और जो है वो जिलों पे की बुनियाद पर और कोटा बेसिस पे अपॉइंटमेंट की जाएगी। कैंडिडेट पजिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस डोमिसाइल ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें इन्होंने सारा क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि कितने जो है जिले के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और कौन सी तालीम कितनी तालीम इनको चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इन्होंने मेंशन की है। इसमें सबसे पहले जो है जिस पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी दी है वो है जुडिशियल असिस्टेंट। बीपीएस 16 की ये पोस्ट है और इसके लिए जो इन्होंने एज लिमिट रखी है वो 28 रखी है, और नंबर ऑफ जो वैकेंट पोस्ट है इसकी 6 है, 6 बंदे इनको अपॉइंट करने हैं। क्वालिफिकेशन जो इनको रिक्वायर्ड है वो है लॉ ग्रेजुएट, और एमएस ऑफिस में जो है वो उसमें महारत चाहिए, और ये जॉब जो है वो ऑन रेगुलर बेसिस है। मेरिट पर एक जॉब है पंजाब इस्लामाबाद के लिए जो है 3 सीटें हैं, और सिंध रूरल के लिए 1 है, और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी 1 है। मतलब ये कि जिन हजरात के डोमिसाइल पंजाब इस्लामाबाद के हैं वो 3 लोग अपॉइंट होंगे, सिंध रूरल का जो है वो 1 बंदा अपॉइंट होगा, खैबर पख्तूनख्वा के लिए इनको 1 बंदा रिक्वायर्ड है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट है 2nd, वेब मोबाइल ऐप बीपीएस 16 की, इसमें भी एज लिमिट तकरीबन सब में 28 रखी है इन्होंने, और वैकेंट पोस्ट जो है वो इसकी 2 हैं। बीएससीएस आईटी रिक्वायर्ड है इसमें, 16 ईयर्स एजुकेशन हो, और जो है 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, 1 से 2 साल का। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 3 से 5 साल तक की, उसके बाद जो है वो रिन्यू किया जाएगा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट को। पंजाब इस्लामाबाद की 1 वैकेंसी है, खैबर पख्तूनख्वा की भी 1 है। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसके भी आगे इसका क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बीएससी आईटी रिक्वायर्ड है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोटोकॉल है, इसमें जो है वो 2nd क्लास में मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की है, और एमएस ऑफिस में जो है इन्होंने तजुर्बा भी रिक्वायर्ड किया है पंजाब इस्लामाबाद के लिए। नेटवर्क टेक्नीशियन इनको रिक्वायर्ड है बीपीएस 15 में, या वीडियो लिंक ऑपरेटर, इसमें जो है इन्होंने एज लिमिट जो है वो 25 रखी है। उसके बाद यूजर सपोर्ट है, यूजर सपोर्ट टेक्नीशियन बीपीएस 14 की जॉब है, इसमें भी एज लिमिट उन्होंने 25 रखी है। प्रोटोकॉल असिस्टेंट की बीपीएस 14 25 एज की लिमिट रखी है, बलूचिस्तान की ये वैकेंसी है। इस तरीके से हमारे तकरीबन पाकिस्तान के जो है वो तमाम शहरों के हवाले से इसमें जॉब आ गई है, और स्टेनोटाइपिस की बीपीएस 14 की जॉब इन्होंने रिक्वायर्ड करी है, जो है इनको बंदा रिक्वायर्ड है। इसके बाद केयर टेकर है बीपीएस 11 में, मेट्रिकुलेशन बेस पे अपॉइंट हो गया। टेलीफोन ऑपरेटर बीपीएस 9 में इंटरमीडिएट पे अपॉइंट होगा। लाइब्रेरी क्लर्क इनको रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट बेस पे, खैबर पख्तूनख्वा के लिए। ट्रांसक्रिप्ट राइटर जो है वो बीपीएस 9 में बैचलर बेस पे अपॉइंट होगा। उर्दू टाइपिस्ट, जो उर्दू टाइपिस्ट वाले हजरात हैं वो मेट्रिकुलेशन बेस पे इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएस 8 की पोस्ट है, पंजाब इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल रखने वाले हजरात। एलडीसी की पोस्ट है मेट्रिकुलेशन बेस पे, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, बिजली का काम जानने वाले हजरात जो महारत रखते हैं वो मेट्रिकुलेशन बेस पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर ये शर्त है कि बलूचिस्तान का उनका डोमिसाइल हो। डिस्पैच राइडर बीपीएस 5 प्राइमरी पास पे अपॉइंटमेंट है बलूचिस्तान के लिए, नायब कासिद प्राइमरी पास पंजाब के लिए, सिंध के लिए, सिंध रूरल अर्बन दोनों के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिक्वायर्ड है। चौकीदार इनको रिक्वायर्ड है और बीपीएस 2 में, माली बीपीएस 2 में रिक्वायर्ड है, और क्लीनर इनको बीपीएस 2 में रिक्वायर्ड है, और ये बलूचिस्तान के लिए पोस्ट है, इसके अलावा पंजाब इस्लामाबाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। अब जो है इन्होंने जो बताया है आगे कि जनरल टर्म एंड कंडीशंस बताई हैं कि क्या इसमें शराइत हैं। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो दी जाएगी, और 25 साल मिसाल के तौर पे अगर एज लिमिट है तो 25 के बाद 30 तक मतलब उनकी रिलैक्सेशन हो गई 30 साल तक की उम्र वालों के लिए। इसी तरीके से अगर वो ऊपर 28 साल बताई गई थी तो 28 से 5 मिला के 33 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कि जो पहले से किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तो वो एनओसी के थ्रू डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे इंटरव्यू के वक्त,
और उनको जो है एनओसी देनी पड़ेगी। मेयर सबमिशन ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वुड नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो जमा कराया जाएगा तो उसको जो है अपॉइंटमेंट के दौरान कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड इन केस ऑफ एनी फॉल्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसिल। इसमें ये इन्होंने बताया गया है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी लाने होंगे इंटरव्यू के दौरान। जो शॉर्टलिस्ट बंदे होंगे टेस्ट के बाद उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरव्यू में लेकर आने हैं, और अगर कोई भी उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन अपनी दरखास्त में दी होगी और बाद में पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी या गलत थी या फेक थी, तो उन कैंडिडेट की जो अपॉइंटमेंट है या उसका जो प्रोसेस है सिलेक्शन होने का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें जो वैकेंसीज की इन्होंने तादाद बताई है वो कम ज़्यादा करी जा सकती हैं, और कभी भी जो है ये प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का कैंसिल किया जा सकता है बगैर किसी वजह के बताए। नो TADA विल बी एडमिसिबल। जैसे अमूमन होता है कि कोई TADA नहीं दिया जाएगा एप्लीकेंट को टेस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे या इंटरव्यू के लिए। अप्लाई करने का इन्होंने तरीका बता दिया है कि इनकी OTS की वेबसाइट है, लिंक आपको जो है इन्होंने सामने दे दिया है www.ots.org.pk। यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी होगी, यहाँ से जो है आपको सारी दूसरी मालूमात मजीद मिल जाएगी, और यहीं पर ही आपने अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करानी है ऑनलाइन। प्लीज़ वी कीप विजिटिंग OTS वेबसाइट रेगुलरली फॉर टेस्ट शेड्यूल एंड अपडेट। अब इन्होंने मजीद ये भी बता दिया है कि आप जो है इस साइट को तकरीबन डेली बेसिस पे विजिट करते रहें ताकि जो भी टेस्ट का शेड्यूल आएगा जो आपने जब आपने एप्लीकेशन जमा करा दी है तो उसके बाद फिर ये जो टेस्ट शेड्यूल बताएंगे कि किस डेट पे टेस्ट रखे गए हैं, कहाँ रखे गए हैं, और इसके अलावा जो भी अपडेट होगी इस साइट पे ये देते रहेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी कोई कंफ्यूजन है और आपको अपनी किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा इस साइट से, तो आप जो है वो OTS की हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करके अपनी परेशानी या जो आपका मसला है वो हल करा सकते हैं। इसमें ये इन्होंने जो है नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उसके अलावा इन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है जिसमें इनकी जो भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन है वो आती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप इस वैकेंसी के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।